अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से। वैसे आपने मेरा इंडोर स्काई डाइविंग ब्लॉग तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे वाला ब्लॉग। एनीवेज चलो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आर यू वेयर आर वी गोइंग टू हैव हाँ सो वी हैव डिसाइडेड मेरे प्लान के हिसाब से नैंडोज है। सो चलो ट्राई मारते हैं नैंडोज है कि नहीं है। बट अरफात आर यू डूइंग इट नहीं शायद अरफात प्लान बनाए थे मैं करूंगा बट अब थोड़ा सा इनका ये हो गया। लेट्स सी बनाती हूँ तब तक के कर लो। लेट्स सी तो हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं। पेरी पेरी चिकन। पेरी पेरी चिकन नैंडोस की बहुत फेमस है तो वी विल मेरे वर्ड्स बोल रहे हैं मैंने बोला था कि नैंडोस की फेमस है तो हम जरूर खाएंगे। सो हम लोग मंगा रहे हैं पेरी पेरी चिकन। कितना ब्यूटीफुल डेकोर है यार, माशाल्लाह। ये आ गई इनकी पेरी पेरी चिकन और ये है पेरी पेरी स्वीट पोटैटोज फ्राइज। बहुत ही मजेदार थे माशाल्लाह। हाँ चलिए मैं खा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही टेस्टी है। नाम सुना था वैसे ही है, मजेदार एकदम। इनकी जो फेमस नैंडो चिकन है वो तो बहुत ही डिलीशियस थी, पर इनके एक्स्ट्रा तीन सॉसेस भी हैं। उनमें से मेरा फेवरेट हो गया था गार्लिक सॉस, जो कि मुझे मुंबई में तो मिलता नहीं है बट मैं कैरी भी नहीं कर पाई यहाँ पर लाने में क्योंकि कांच की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कैरी करूँगी। इंडिया में आई थिंक है लेकिन मुंबई में नहीं है। आई विश होता, पहले था अब नहीं है। आई विश फिर से शुरू करते तो मज़ा आ जाए। आज़ान आपको नैंडोज का कैसा लगा? ओवर एक्सप्रेशन हो गया। चलो चलो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ये कुनाफा आया जिसमें सिरप भी नहीं था, मिठास ही नहीं थी, तो मैं जाके सिरप लेके आया और सिरप भी ऐसा था ना शुगर का कि एकदम खट्टा 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 लग रहा था, तो बिल्कुल भी मुझे तो मज़ा नहीं आया। हमने ऐसे ही छोड़ दिया कुनाफे को और हम निकल पड़े। हमें मीना बाज़ार में कुछ काम था, पहले वहाँ ड्रॉप होना था, उसके आगे फिर हम दुबई मॉल जाने वाले थे तो बस मीना बाज़ार के लिए निकल गए। बहुत बारिश है, कल आज भी बारिश, कल भी बारिश, इतनी बारिश होती है यहाँ। ये पहुंच गए मीना बाजार और यहाँ एक छोटा सा काम था वो पटाया और वहां से निकल पड़े हम, चले दुबई मॉल। दुबई मॉल के रास्ते में क्या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जैसे आप देख सकते हैं जगमगाती हुई, एकदम खूबसूरत, झिलमिलाती हुई। और ये आ गया म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये इसके अंदर मुझे जाना था बट हम लोग इस बार गए नहीं। हमने कहा नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ रख देते हैं, सब इसी बार चले जाएंगे तो मज़ा क्या आएगा। लेकिन जो खूबसूरत लगता है ये रात में भी इतना ही खूबसूरत लगता है और दिन में भी इतना ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। ये आ गया दुबई मॉल। अच्छा इसके बराबर में से ये ना आपको पीछे से या साइड से ही दिख जाएगा टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो आपको भी पता है बुर्ज खलीफा। बहुत ही दिन में तो खूबसूरत लगती है, रात में भी खूबसूरत लगी, हर टाइम खूबसूरत लगती है। इसके साथ साथ एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये सब जो आप देख सकते हैं ना ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लेकिन ये जो लिखे हुए हैं ना अरबिक में, वेरी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कैप्चर किया ये भी। और ये हम आ गए मॉल के अंदर। Thank you.
आती तो मैं यहाँ अंदर भेज देती हूँ। अरे अपने आपको नहीं आता है उसका। वो पूछ रही है सान मेगो के कौन सा वाला चाहिए फ्लेवर। हां मुझे भी प्लेन वाला मैं पूछ रही हूं बोल रही हूं। कौन सा चॉकलेट नहीं ये देखो ये खा के देखो अजानो खिला चॉकलेट वाला चाहिए। Very nice, बहुत ही अच्छी। लेने? चलो लेते। Pistachio, right? Yeah. चखो। टेस्ट करके बताओ। हाँ। बाम चले। ये okay, I like original. Original? मुझे भी बता दो। सिर्फ वो कौन डालेगा और चॉकलेट डालेगा उसके अलावा कुछ नहीं डालेगा। टॉपिंग्स वाला नहीं ले रही हूँ मैं, फिर मेरे को दो वाला लेना है। टॉपिंग्स तुम नहीं खाओगे तो मैं तो पानी पी लाएगी। फिर इतनी टॉपिंग्स डलवाओगे तो मैं नहीं खा पाऊंगी, तुम ऐसे ही खाओगे। चलो चलो मैंने डिसाइड कर लिया सर। मुझे पर एट लास्ट मुझे अजान को चॉकलेट विद टॉपिंग्स ही दिलानी पड़ी, वो मान ही नहीं रहा था। हैप्पी बहुत लस्सी की तरह है बट खट्टा मीठा ज्यादा आइसक्रीम फ्लेवर में। और मतलब तीन चार जो चीजें होती हैं मतलब एक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्या एग्जैक्टली है बट मोर और लेस मिक्सचर मोर और लेस लस्सी है। बहुत 19 खट्टी टाइप बट योगर्ट की योगर्ट है और ठंडी है आइसक्रीम की आइसक्रीम की है। सुपर्ब है ना। आसान ने चॉकलेट वाला लिया है और हम लोगों ने नॉर्मल फ्लेवर लिया था ओरिजिनल वाला। बहुत ही मजेदार था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं चॉकलेट वाला बहुत अच्छा है आप लोगों से लोग से आप कम से अच्छा हम लोग तो खाओगे बट हमारा ज्यादा अच्छा था। आप लोग आप दोनों से अच्छा मेरा अच्छा मैं बताना ही भूल गई ये मेरा आज का आउटफिट। वैसे ये हमारा इन हाउस ब्रांड का ही है और मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिंक दे देती हूँ इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाएं और डिटेल्स पता कर लें। कैसा लगा ये भी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। है एक्वेरियम और हम अंदर तो गए नहीं झोंके, लेकिन बाहर से हमने देखा। इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था हमें अंदर जाने का तो ये, लेकिन बाहर से और आसान है ना उसे पिक्चर निकालने का था इसके साथ एलिगेटर के साथ। उसे लगा मैं पिक्चर निकाल रही हूँ ऐसे खड़ा है। उसके बाद फिर मैंने पिक्चर निकाला बट ऑफकोर्स। और कितना बड़ा एक्वेरियम था आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आया और रश इतना था ना कि मज़ा भी आ रहा था और इरिटेट भी हो रहा था कि इतने लोग एक दूसरे में टकरा रहे कि देख भी नहीं पा रहे थे हम, यू नो इतना रश था। आगे आप देखेंगे और ज़्यादा रश है, बहुत ही रश है इस बार तो हम आए थे तो। इतनी थक गई कि मैं बैठ गई नीचे
और ये आप देख सकते हैं कितना रश था, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे ही फ्री में बट रहे हैं वहाँ कुछ, और हम भी आए लेने के लिए, सब आए लेने के लिए, पता नहीं इतना रश क्यों था इस बार। और ये जो फ्लाई ओवर और ये जो सामने का अलबहार और ये सब जो एरिया है, हम 5 साल पहले आए थे तब तो था भी नहीं, कब बन गया पता भी नहीं चलता। ये जो अब मैं ये फ्लाई ओवर दिखा रही हूँ, ये सब कुछ भी नहीं था। एमआर ये जो साइड का लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं था। उस साइड की जो रेस्टोरेंट्स थी, कुछ भी नहीं थी, बस ये था बुर्ज खलीफा, बट ऑफकोर्स। और ये भीड़ तो देखिए, बाप रे बाप, और बारिश बारिश, बोले मेरा काम, भीड़ बोले मेरा काम। हम तो ऐसा लग रहा था पागल हो गए एकदम, ऐसा लग रहा है कहाँ आ गए, मेले में आ गए, मेला, इसका नाम मैं आज से मेला ही रख देती हूँ, इस मेला है मेला, सही में मेला ही लग रहा था। और बारिश आ रही है, भाग रहे हम लोग, जा रहे हैं शेड के अंदर। और फिर अब उसके बाद ये देखिए, ये पीछे बुर्ज खलीफा है, ये तो है ही, लाइट थोड़ी कम है क्योंकि हम रात को आए थे, दिन का अपना अलग मज़ा है और रात का इसका अलग मज़ा है, पर बहुत ही मज़ा आया, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया हमें उस दिन भी। फाउंटेन के देखने के बाद हम आ गए वहाँ खाने के लिए फाइन डाइन रेस्टोरेंट में। और इनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि बाहर भी वो लोग लगाते हैं टेबल, सो दैट हम बैठे बैठे बुर्ज खलीफा देखते देखते आप खाना एंजॉय कर सके। बट इस बार वो उन्होंने वो बंद रखा था क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और ठंड भी उतनी ही थी, तो हमने भी प्रेफर नहीं किया और हम अंदर आ गए। या फिर मिक्स प्लेटर में, दोनों में से कोई भी एक मंगा लो ना, कॉम्बो मंगा लो। खाना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना प्लेटर, बट ओके ही था वैसे। हम लोग थोड़ा सा ये सब चीज़ों को तो चटनी और या फिर डिप या इनके साथ पसंद करते, या हल्का सा चटपटा होना चाहिए, ब्लैंक भी हो तब भी उसमें एक स्वाद होना चाहिए, जो मुझे उसमें मिसिंग लगा। बट एनीवेज कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। और बस वहाँ से निकले और वहीं पर ही ना अंदर ही छोटी सी मार्केट टाइप है, आप इसे छोटा सा मॉल टाइप कहिए, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, देख तो रहे थे लेकिन पैर के छोटे 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 टुकड़े हो चुके थे। और बस ऐसा था कि या अल्लाह कोई हमें घर पहुँचा दे, या आई मीन वहाँ पहुँचा दे होटल। बस यहाँ से थोड़ी एक दो चीज़ें लेनी थी अजान के लिए, वो लेके हम लोग निकल चले घर। ये वाली देखो, रास्पबेरी पेप्सी और लाइम वाली पेप्सी भी है। अब लाइम दोनों चाहिए कि सिर्फ लाइम या एक रास्पबेरी? रास्पबेरी वैनिला पूछो ना। ये कोक का देखो, तो ये कोक का ही सेक्शन है। रेड बुल के भी बहुत है अल्फाज, येलो एडिशन, ब्लू एडिशन, रेड एडिशन, फिर ये पावर वाली कुछ, और ये नॉर्मल वाली कितने होते हैं बाबा। ये पूरा सेक्शन जो था ना सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स का था, और अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक थी, एक एक कंपनी की तीन तीन चार चार टाइप की थी, फ्लेवर्स की थी मतलब। और हमने एक दो तो ट्राई भी की, बहुत मजा आया पी के। जाते जाते ये देखते जाइए, कश्मीर एम्पोरियम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे देश का, तो मैंने इसके लिए ये भी एक शॉर्ट क्लिप बना लिया। और बस यहाँ से हम लोग घूमे जा रहे हैं, टैक्सी भी नहीं मिल रही है, तो मैं एंड बराबर से कर नहीं पाई, अरफा टैक्सी बुक कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिए अच्छा लग रहा है कि नहीं। और फिर से हाजिर होंगे एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।